तो दोस्तों हमें हमारा अगला गेम मिल चुका है और उसका नाम है सेंट्स रो। ये बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत ही बड़ा गेम है दोस्तों, और इसके पहले भी चार पार्ट आ चुके हैं और ये जो पार्ट है ये 2022 में आया था और ये उन चारों पार्टों का एक रिबूट वाला गेम है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक एक्शन एडवेंचर गेम है और ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहाँ पे आपको अलग अलग मिशन खेलने पड़ेंगे। मतलब इसको पहले के जमाने में तो जो सेंट्स रो 1, 2, 3 और 4 था उसको GTA का क्लोन भी कहा जाता था, GTA विद सुपर पावर्स। अब ये जो गेम है ये भी काफी हद तक उस तरह ही है लेकिन इसमें आपको सुपर पावर्स मिलती है। ये ओनली एक थर्ड पर्सन गेम है और इसमें एलियन वेलियन ये सब आते रहते हैं, उनके साथ आपको फाइट करना पड़ता है। ये बहुत ही ज्यादा फनी गेम है दोस्तों, डेडपूल टाइप, और ये अलग अलग चीजों के पैरोडीज बना के हमारे सामने लाता रहता है जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है इसको खेलने में। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि GTA ऑनलाइन होने से पहले जो सेंट्स रो था उसने अपना ऑनलाइन का जो सिलसिला था वो शुरू किया था और उसके बाद GTA वालों ने भी अपना ऑनलाइन गेम शुरू किया। हालांकि इस गेम को काफी मिक्स रिव्यूज मिले हैं, किसी किसी को ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और किसी किसी को ये गेम एकदम बेकार लगा है। दोस्तों ये गेम PC, PS4, PS5 सबके लिए अवेलेबल है। ये गेम बेसिकली एक फन गेम है दोस्तों, आपको खेलने में मजा आएगा, आप इसकी स्टोरी में उतना मत जाना। इसका गेम प्ले भी काफी ज्यादा अच्छा ही है, ठीक ठाक है इसका गेम प्ले और IGN वालों ने इसको 6/10 दिया है। इस गेम के अपने अलग मजे हैं दोस्तों गेम के ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और इसमें आपको गन प्ले के साथ सुपर पावर्स और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें मिल जाती है खेलने के लिए। अब हालांकि ये गेम फ्री है एपिक गेम्स में तो ये बहुत ही अच्छा गेम है, लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि पैसे देके इस गेम खरीदने के लिए तो मैं उसको मना कर दूंगा कि ना खरीदे, लेकिन क्योंकि ये फ्री में मिल रहा है तो आप बिल्कुल इस गेम को खरीदिए दोस्तों। और भाई साहब अगर हम बात करें अपने प्रिडिक्शन की तो जो मिस्ट्री गेम है उसका जो कलर है वो है रेड, और अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि रेड से मेरा क्या मतलब है दोस्तों, रेड डेड रिडेम्पशन। ये बहुत ही बड़ा, मतलब 90% चांसेस तो यही है कि रेड डेड रिडेम्पशन आने वाला है, क्योंकि एपिक गेम्स वालों ने ये कहा था कि 31 दिसंबर को ये बहुत ही बड़ा रिवील करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा गेम आने वाला है। तो पूरी उम्मीद है कि ये रेड डेड रिडेम्पशन ही हो सकता है, मैं कोई भी दूसरे गेम को प्रेडिक्ट नहीं करूंगा क्योंकि अगर हमें रेड डेड के अलावा कोई भी दूसरा गेम मिले तो वो मेरे लिए बेकार ही होगा। इससे अच्छा कोई न्यू ईयर गिफ्ट नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि रेड डेड रिडेम्पशन के बारे में कौन नहीं जानता है। इस गेम की तारीफ करने में मैं इस वीडियो का लंबा नहीं करूंगा दोस्तों, बस मेरा यही मानना है कि अगर रेड डेड रिडेम्पशन 2 आ जाए तो मजे आ जाएंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा मजे आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये गेम हमें मिल जाए और यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ दोस्तों, मैंने GTA 5 के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है कि Why GTA 5 is the most beautiful game ever, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, शायद आपको वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो और देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।